बीच में हाँ हूँ बोलते रहना, क्योंकि अब मैं, मेरा मुंह हो गया दूसरी तरफ, आप लोगों को देख के बात नहीं कर पाऊंगा मैं। सोर्स ऑफ लाइट के चक्कर में मैंने दूसरी तरफ मुंह किया है, दिख तो अच्छा रहा है वैसे। तुम्हें मोबाइल चाहिए? अब क्या बोलते हो? ये पागल हो गया बेचारा मोबाइल। हाँ, कैमरा कह रहा है क्या करना है। ठीक है, यस सर। हाँ जी ठीक सर। ठीक है। चश्मा दूसरा लगेगा। शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अश्विनी कुमार प्रतिवासी और आज हम करने वाले हैं इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ और शेड, दोनों एक ही क्लास में। जल्दी जल्दी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दिल्ली पोलाजो आर्ट के क्रिएटिव स्टूडियो में। क्योंकि क्लास ऑनलाइन हो रही है और सब लोग चाहते हैं कि 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाए, तो उसमें ड्राइंग भी करना है और शेडिंग भी करना है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसका एक फील ले पाएंगे कि किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन पर दो तरीके हैं कि हम ड्राइंग को बाहर से अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और अंदर से भी बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की क्या है? बाहर से अंदर का मतलब पहले स्ट्रक्चर को, बाहर वाले स्ट्रक्चर को बना ले, फिर अंदर वाले स्ट्रक्चर को बनाए। फिर एक शुरू शुरू में ऐसा कर लेना चाहिए, तो एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ लगभग कितना बड़ा फेस चाहिए हम लोगों को, और उसके बाद एक आइडिया हो जाता है कि हाँ लगभग कहाँ कहाँ पे आंखें आने वाली हैं, कहाँ नोज आने वाला है, कहाँ पे ये मूछें जाने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जो कि बाद में चेंज भी हो सकता है जब डिटेल में बनाएंगे। और ये आईब्रो का एरिया है, ठीक है। और यहां से हम लोग एक रफ आइडिया हो गया, यहां तक समझ पाए हो आप लोग? कोई नहीं बोल रहा, यानी कि सो गए सब लोग। यस हाँ बोला, मैंने यस बोला था ना हाँ ना बोलते रहना। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है सर। जी। तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये जो दोनों आंखों की प्लेसमेंट है, अगर उनको ऐसे मिला दिया जाए तो वो थोड़ा सा तिरछा जा रहे हैं, यानी कि ये आंख खत्म होते होते वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इससे एक एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि हाँ एक लोकेशन मिल जाती है हम लोगों को कि आंख कहाँ पे बनेगी।
एक बार ये जो आंख का आइडिया लग जाता है कि हाँ यहां बनेगी आंख, तो क्या है आपको पता चल जाए कि यहां से यहां तक आंख है, तो बाद में डिटेलिंग के लिए आप इसे एनलार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन शुरू में कई लोग फंस जाते हैं, ये एक समस्या है, कई लोग शुरू में ही डिटेल करने लग जाते हैं। ये मैं आपको यहां पे अवेयर करना चाहूंगा कि शुरू में डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती, शुरू में बाकी जो उसके चेहरे के दूसरे एरियाज हैं उनके साथ ये जो एरिया है वो सिंक कर रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। प्रपोर्शंस, उसके गैप, आप में से किसी ने एनलार्जमेंट की क्लास ली है बाकी लोगों ने? अभी होने वाली है, इसके बाद उसमें यही बताया जाएगा कि कैसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लिंक होता है और उस लिंक को समझें। चेहरा थोड़ा सा बड़ा बनेगा जिस हिसाब से आंख बनी है, इसमें आप देख रहे हैं यहां से इसकी सिधाई में, इसकी सिधाई में यहाँ पे नापने वाले लोग इस आंख को नाप के ऐसे ही उन्हें नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ओवरऑल देखना है। अटेंड कर ले यार, आप देख रहे हैं कि हाँ जहां से आपने आंख शुरू की वहां से एक लाइन डालेंगे तो यहां बाहर निकल रहा है, यहां से लाइन डालें तो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। नोज के दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन डाल के देखें कि वो सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है। मेरे हिसाब से टेढ़ी जा रही है, यानी कि ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे। हम ज्यादा शेड के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे ड्राइंग इंप्रूव होती है। जो लोग ड्राइंग की परेशानियों से जूझ रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि ड्राइंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है, एकदम से नहीं होती। ये एक दिन में सीखने वाला विषय नहीं है कि चाय बनाना सीख लो फटाफट, वो जल्दी सीख सकते हैं आप।
अब यहाँ पर काम करते करते फॉर्म विद इन फॉर्म वाली एक्सरसाइज भी काम आ रही है आपके, चीजों को ऊपर लगा के देख लिया करो, एक चीज पहले बन चुकी है फिर रिवर्स करके देख लिया कि यहां तक आना चाहिए। एक बार मेरी भी ऐसी मूछें हो गई थी, बट मैंने दाढ़ी बना के रखी थी तो मूछें बेचारी हाईलाइट नहीं हो पाई। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ देखूं तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये इतना तिरछा है, तो यहाँ पे इतना तिरछा है। यही अभी मैं बात बताऊंगा, इस पॉइंट को इससे भी मिला के देखें तो ये वाला पॉइंट नीचे है, वाला पॉइंट ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट तो ठीक ही बना हुआ है क्योंकि नोज के साथ कनेक्शन में देख पा रहा हूँ, तो ये पॉइंट नीचे जाएगा, ये पॉइंट नीचे जाएगा, यानी कि और नीचे जाना चाहिए यहाँ के आसपास होना चाहिए। ये जो कंपैरिजन है ना बाकी जो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं उनके साथ, ये जरूरी है, तभी वो कैरेक्टर वगैरह निकल के आएगा। अब ये पॉइंट है कहां से मुंह शुरू हो रहा है, इसके बीच में से कहां से मुंह शुरू हो रहा है, इसके मुंह से ऑलरेडी ठीक ठाक बना हुआ था, ये कहां पे है इसके शुरुआत पर, ये भी ठीक ठाक ही है। मैं थोड़ा कोशिश तो करूंगा कि जल्दी हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा टाइम बच जाए, लेकिन जल्दी करने से क्या होता है कि जो उस ड्राइंग में ज्ञान देने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। टेक्निकल पॉइंट जो बताने का जो एक कि बहुत ही जरूरी पार्ट है उसका, फिर हम उसको छोटा करते हैं, देखते हैं कि हाँ जहां से शुरू है ना उसी के पास उसी चीजों से पूछते रहा करो कि भाई ये कितनी दूर चला गया, ठीक है ना। गैप देखने में मदद मिल जाती है। अब देखिए आंख से ऊपर नहीं गया कान, आंख से ऊपर नहीं जाना चाहिए कान, और कहां पे आया मूंछ के यहाँ पे, और यहां से देखें तो ये नाक और मुंह के बीच में, यानी कि यहां तक,
क्या लगता है आपको, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं आपसे? ये ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है? बहुत परफेक्ट चल रहा है सर। यहाँ पे आंख खत्म हुई है, यहाँ पे आंख खत्म, इसी के सामने हल्का सा कान झांक कर देख रहा है, थोड़ा सा झांक कर देखने देते हैं उसे। सर हम भी ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ का कुछ बन जाता है। अरे टेंशन मत लो, बस शुरू शुरू के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, शुरू शुरू के 30 साल थोड़े मुश्किल लगेंगे, फिर स्मूथ हो जाएगा सब, आसान हो जाएगा सब। चालीस चालीस की हो गई हूँ अभी, 30 साल बाद। कोर्स शुरू किए हुए जब शुरू शुरू के 30 साल निकल जाएंगे बहुत इजी लगेगा, आप देखना फिर। सर क्या आप तसल्ली मिली है सुन के? मिल गई ना? मैं सर हम भी ऐसी बिना वो आपके वो ग्राफ के बिना अगर बनाने की मैं कोशिश करूं तो ये मुंह थोड़ा मोटा बन जाएगा, आंख ऊपर नीचे हो जाती है। मेरा भी हो जाता है भाई, मेरा भी हो जाता है, डोंट वरी, ऐसा बोलने से तसल्ली मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूं, हम लोगों को जितना मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं ना, और जिस तरीके से मैं डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं, आप यकीन माने मेरे को 12 साल में कभी नहीं मिला ऐसा। और वो जो चीज मिसिंग थी ना, वही एक नई हायरार्की है, नया एक सिस्टम है जो जो कि मैंने डेवलप किया है आर्ट की दुनिया में। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पे एक बुक लिखी जाएगी, अश्विनी कुमार नाम का एक इंसान पैदा हुआ था जिसने भारतीय कला की जो टीचिंग थी उसमें क्रांतिकारी तरीके से उसमें बदलाव किए। और सर आपने कोई ब्लॉग्स या कुछ लिखे अपने पेंटिंग्स के ऊपर या कुछ? मैं टाइम कहाँ है, आप लोग किस लिए हो, काय बात की हो आप? मैं मर जाऊंगा तो भाई फूल चढ़ाने आओगे मेरी कब्र पे? करो ना आप लोग। सर अगर जैसा हम बोल रहे हैं कि आपको डेमोंस्ट्रेशन नहीं दी जाती थी तो फिर आपने ये कैसे सिस्टम देखिए आपको भी बहुत सारी चीजों के डेमोंस्ट्रेशन नहीं मिले, आप भी बहुत सारी चीजें सीख चुके हो। लेकिन मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं चीजों को। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप जिंदगी में सिर्फ वही चीजें सीखे हो जो आप जिसका डेमोंस्ट्रेशन मिला आपको? नहीं सर। मन में चल तो रही है उठपटांग बातें आपके, बोलना मत बिल्कुल इस टाइम, समझे? बोलो कुछ चीजें अपने आप सीखी कि नहीं आपने सीखे? यस सर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, वैसे कॉमन टॉपिक है भाई, इस ग्रुप में कोई 18 साल से छोटा बच्चा तो नहीं बैठा हुआ? 17। ओहो सॉरी भाई, चलो मैं बात को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बात यह है कि जितने भी बच्चे शादीशुदा बैठे हैं, आज अगर उनसे बोलें कि मैरिज के बाद की लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आज वो अच्छा अच्छा खासा ज्ञान दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नेवर एंडिंग सर। हाँ नहीं फिर भी कुछ तो दोगे कि हाँ भाई, वही तो कह रहा हूं नेवर एंडिंग ज्ञान दे सकते हैं। सर आप पूछ के देखो, पूछ के देखो सर एक बार। नहीं नहीं मैं पूछूंगा ही नहीं, चिंता मत करो, मेरे को पता है मैं पूछूंगा क्यों, मेरी भी तो रखी है। तो बात ये है कि अब अगर आपको कहे कि आपको क्या शादी से पहले ये सारी बातें सिखाई गई थी जो आप सुना रहे हो, नेवर एंडिंग वाली बातें जो आप कह रहे हो, अब मेरा सवाल अब आपको सॉल्व करना है, बोलो क्या बोलते हो? बोलो कोई जवाब है जज साहब आपके पास? किसी के पास जवाब नहीं सर, एक्सपीरियंस। हाँ अब आपको पता चल गया, तो मैंने भाई प्रैक्टिकल बहुत किया है। ये चिन के सामने से जा रही है,
तीन के सामने से यहाँ जाएगा, ये तीन के सामने थोड़ा ऊपर है, तीन के सामने थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर है कॉलर, मूंछ से थोड़ा नीचे पर आ रहा है। आपके पास तो है ही, अब दिख तो रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन है थोड़ी सी राइट में जा रही है, यहाँ जा रही है, इधर वाला नीचे है कंधा, उधर वाला ऊपर। कंपेयर करने हैं चीजों को, कंपेयर करके चलोगे तो मजा आएगा, उनकी प्लेसमेंट ठीक जगह पे हो पाएगी। छोड़ दूं इस ड्राइंग को, यहाँ तक छोड़ दूं, यहाँ तक मतलब और ज्यादा डिटेल में तो देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। पर थोड़ी सी देर में ही इसका, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं सबसे पहले, आईज। जब भी वाइट एरिया की बात आती है तो वाइट एरिया को मार्क कर लीजिए पहले, थोड़ा सा जूम हो सकता है आपकी तरफ से, हो सकता है आप अपने मोबाइल को जूम कर दोगे तो कर दो, कर सकते हैं आप, मोबाइल वाले लोग जूम कर सकते हैं। सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ सर यूजुअली हो जाता है, पता नहीं आज जूम नहीं हो रहा फॉर सम रीजन। यार बताओ, देखो फिलहाल तो मैं ये कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन के चक्कर में ना, देखो वो लाइट करना था पर वो बन गया डार्क। देखो इस कैमरे में जो दूसरा कैमरा है ना, इस कैमरे में जूम, जूम इन जूम आउट का कोई फीचर है नहीं इसके अंदर, और मैं बार बार नीचे ऊपर करूं तो फिर आपको ये दोनों चीजें दिखेंगी, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। सर काफी क्लियर दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ, थोड़ा सा और नीचे करने की कोशिश कर सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ मैं। यस सर, इससे ज्यादा मेरा करियर कटेगा। इनफ है सर, थैंक यू। यहाँ ठीक है सर, आपको डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? हाँ आज नहीं हो रही किसी भी टाइप की, मैं धीरे धीरे करते करते मेरे को भी कुछ आइडियाज लग गए हैं कि कहाँ कैमरा लगेगा और कौन से टाइम पे कौन सी लाइटिंग हो रखी है। यहाँ पे लाइटिंग का बड़ा इशू है ना, ठीक।
मैं पहले ओवरऑल बनाऊंगा और ताकि आपको फील आ जाए। सर ये जो आप क्वेश्चन डार्क दिख रहे कर रहे हो ना, ये हमें आपके फोन के कैमरा में नजर नहीं आ रहा। आपको रेफरेंस तो भेजा है मैंने भाई, किस लिए भेजा आपको रेफरेंस? ओ सॉरी सर, सॉरी माफ कर दिया मैंने यार। सर ये हम लोग पिक्चर से देख के शेडिंग कर रहे हैं, अगर हम अपने थॉट प्रोसेस से शेडिंग करें तो कहाँ पे लाइट होगा और कहाँ पे डार्क ही कैसे फिगर आउट करें? ये बात आपको तब अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप 1000 पोर्ट्रेट्स बना लेंगे, तो आराम से समझ में आ जाएगी आपको। जैसे जैसे हम कुछ भी काम करते हैं पहले देख देख के बनाते हैं ना, मतलब कोई लैंग्वेज है सीखना शुरू किया किसी लैंग्वेज को, मान लो मैं अभी आपको बोलूं कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखो, तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो भी बोलना पड़ेगा आपको फिलहाल देख देख के ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारी फ्रेंच लैंग्वेज बोल दोगे और बहुत सारे वर्ड्स बोल दोगे तो फिर वो वर्ड्स आपके ब्रेन में अंदर सेव हो जाएंगे और फिर आपका ब्रेन वहां से रिकॉल करके आराम से बोल पाएगा। सिंपल बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि शुरू शुरू में किसी नए शहर के रास्ते नहीं पता होते, लेकिन धीरे धीरे गूगल मैप से भी पूछ पूछ के हम लोगों को धीरे धीरे वो वहां के रास्ते याद हो जाते हैं। हमें तो खैर, मेरे को तो खैर वैसे ही रास्ते याद हैं दिल्ली के, तो कम से कम क्योंकि मैंने बहुत ट्यूशंस बहुत पढ़ाई है मैंने। जब आप ड्राइव करते हो ना तब आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है वो रास्ते याद करने का। ध्यान रहे कि पहले आपको वो बनाना है जो दूर से दिखाई दे रहा है। मेरे को बोलो, मैंने बताओ मेरे को मैंने क्या बोला आप लोगों को? सर पहले वो बनाना जो दूर से दिखाई दे रहा है, इजीली दिखाई जो डार्क है। सर नहीं नहीं डार्क की बात नहीं है, डार्क तो ऑफकोर्स वाइट पेज है तो अब डार्क ही बनेगा, अब इसमें वाइट तो बना नहीं है, पेंसिल डार्क है तो डार्क ही बनेगा, वो तो बात ठीक है। लेकिन जो दूर से दिखाई देता है पहले वो बनाएंगे, उससे क्या होता है ना, और उसमें भी अगर नहीं उसमें भी और अच्छी कमांड थी है तो अपनी आंखों को आधा कर दो, हाफ आईज क्लोज, उससे क्या होगा फालतू लाइट नहीं जाएगी आपकी आंखों में, तो सिर्फ बेसिक ड्राइंग दिखाई देगी, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बेसिक स्ट्रक्चर में फॉर्म विद इन फॉर्म ढूंढने में और आसानी होगी आपको। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ पाए हैं क्या? नहीं सर ये नहीं बात समझ पाए, क्या कह रहे हैं आपके फॉर्म्स विद इन फॉर्म्स कैसे? देखो छोटी आंख करके देखो, छोटी आंख करके देखो तो यही दिख रहा है ना, ये डार्क है इतना एरिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। जब छोटी आंख करके देखते हैं तो ये सिर्फ एक एरिया दिखाई देता है, लेकिन अगर आंख खोल के इसे एनलार्ज करके देखें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको ये अलग से डार्क दिखाई देगा और ये अलग से दिखाई देगा। जल्दी बोलो, समझ में आया? तो अभी क्या है, अगर इतना ज्यादा आंखें खोल खोल के देखेंगे बहुत ज्यादा तो वो डिटेल दिखाएगी आपको, वो आंखें आपको डिटेल दिखाएंगी तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर मिस हो जाएगा, वहां से आप डिटेल बनाने लग जाएंगे, और शुरू शुरू में हमें डिटेल बनाने नहीं है, ओवरऑल बनाना है पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर वही उसी से ही आता है। अब आप मेरा जॉब देख रहे हैं इस वक्त क्या है कि मेरे को आप बनाना भी है और आपको एक्सप्लेन भी करनी है चीजें।
तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया, पहले एक एरिया को बना लेना, फिर क्या करना, एज पे मत लेके जाना, एज उसका थोड़ा सा सॉफ्ट बना दो, तो उससे क्या होगा, बिना मिक्सिंग के भी आपको मिक्सिंग वाली फीलिंग आएगी। सर एज सॉफ्ट बना दो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मतलब उसको मैं एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूँ कि एज को डार्क ना बनाओ, ठीक है। एज मतलब यहाँ पहले बनाया ना आपने, तो इस यहाँ किनारे को डार्क मत बनाओ, और उसको जितनी जरूरत है उससे भी कम लाइट, उसे लाइट बनाओ, जितनी जरूरत है उससे 3-4 टोन लाइट बना दो। ये तो समझ में आ गया होगा, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, yes, कि जो दिख रहा है, मान लो आपको दिख रही है 12 नंबर की टोन दिखाई दे रही है, 14 नंबर की टोन दिखाई दे रही है, आप उसे वैसा मत बनाओ, आप 14 की जगह उसे 10 नंबर का बनाओ, yes, और फिर जो 14 नंबर है वो फिर थोड़ा सा छोड़ के बनाओ, तो उससे क्या होगा, वो मिक्सिंग का फीलिंग आएगा, जबकि आपने मिक्सिंग की नहीं है अभी, लेकिन मिक्सिंग की फीलिंग है। अब देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर सारा डार्क है ना, यस सर, ये सब डार्क है, लेकिन इस डार्कनेस को इतना ज्यादा बढ़ा करके देखोगे तो बीच में डिटेल दिखाई देगी, वो अभी डिटेल अभी नहीं देखनी, नहीं तो वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगी। मैं एक नंबर बोल रहा हूं, नोट करो, लेकिन लिखना मत, दिमाग में नोट करो, ठीक है, करोगे? यस सर। लिखना मत, उसे याद रखने की कोशिश करो। नंबर है 1,23,456। नोट किया? यस सर। दिमाग में? यस सर। अगर किसी बच्चे को बोलोगे ये नंबर नोट कर लो, है ना, या गाड़ी का कोई ऐसा नंबर हो वो जल्दीबाजी में गाड़ी का नंबर ऐसे नोट करे, तो देर में वो होएगा ना, क्या कहते हैं उसे, याद देर में होएगा, है ना। लेकिन ये नंबर ध्यान से देखो, लिख के देखो जरा, अब इसे लिखो। सिंपल है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले सिंपलिसिटी देखो, उसकी डिटेल में मत घुसो, डिटेल में देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। लाइफ में भी तो ऐसी बर्बाद कर रखी है तुम लोगों ने, लाइफ है, लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है हम लोगों ने। अगर आप बेसिक चीजों की डिमांड करोगे तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। अभी तक हमने इरेजर यूज नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब।
सर आपने क्या बोला नंबर का? मेरा नेट चला गया था। कोई दूसरा बच्चा बताएगा, बताओ भाई जिनके नेट आ रहे थे वो बता दो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बताओ। तो सर सर ने एक नंबर बोला था, सो 1,23,456। ओके तो हाँ, तो अब आप इसको लिख के देखो, तो इट्स जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो दैट विल यू नो कंफ्यूज यू, सो अभी आप सिंपल यू नो सर आप आगे ऐड कर दें। ओके ओके गॉट इट। हां बेसिक इंफॉर्मेशन को आप पकड़े वहां से। ओके बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि ये एरिया डार्क है, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। अपने में से कोई हरियाणा का बंदा है? है क्या? चार्जर ला दे के बैटरी चलेगा ना। आप में से कोई हरियाणा का बंदा तो नहीं है? नहीं है फिर ये ना। सर मैं हूँ हिसार। हिसार से हो? यस सर। हिसार की मेरी मामी है। ओके सर। हिसार जींद भिवानी तीनों जगह से मामी आई हुई है, 6 मामा है मेरे। ओके सर। सब आए हुए हो हिसार? हिसार में आया हूँगा लेकिन उस वक्त मैं छोटा रहा हूँगा थोड़ा सा। ओके सर। आप किधर से हो हरियाणा में? हाँ जी। आप किधर से हो हरियाणा में? मैं तो नहीं हरियाणा, हरियाणा से रेवाड़ी से। ओके अभी कौन बोल रहा है अब मेरे को पता ही नहीं यार, इससे बाद में बताना, मैं मुंह इस तरफ नहीं कर सकता। सर राशि राशि मेरे पापा कहीं जो है ना वो पहले रेवाड़ी साइड में कहीं रहा करते थे, दादा वगैरह सब। ओके मैं नहीं गया हूँ, एक दो बार गया हूँ बस, सिर्फ वो होता है ना पुराने पैतृक देव को, पितृदेव। यस सर। तो हमारी नानी जो है ना वो गोहाना की, सुना है तुमने गोहाना? यस सर। सर मेरे भी रिलेटिव्स रहते हैं गोहाना में। हाँ और मेरा बचपन बहुत बीता है गोहाना में। जब भी छुट्टी होती थी ना जैसे ही स्कूल की गर्मियों की। यस सर। बस नानी के घर मम्मी स्कूल के बाहर ही खड़ी मिलती थी मेरे को। और बाहर भाई के हाथ में होता था बैग, दूसरा मेरे कपड़ों का बैग। और वो कहते थे सीधा भाई पे। अपना स्कूल बैग मेरे को पकड़ा। हम लोग रहते थे सरोज नगर में उस वक्त, मेरा जन्म भी सरोज नगर से गया। हाँ जी दिल्ली में। ओके सर। तो बस फिर वहीं से सीधा मुद्रिका बस होती थी पहले, अभी भी चलती है वैसे मुद्रिका बस। बस पकड़ी सीधा पहुंचे बस अड्डे और पहुंच गए सीधा नानी के घर गोहाना सोनीपत होते हुए। यस सर। ठीक है तो अब देखो इस थोड़ा काम की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर ना ये छोटियां करके देखोगे तो ये इतना एरिया डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क। डार्केस्ट पॉइंट्स भी आप मार्क कर लोगे तो बड़ी जल्दी ब्रेन जो है ना बीच वाली एरियाज को खुद रेंडर कर लेता है। अगर जल्दी काम करना हो तो फिर ये काम कर लेना आप, मतलब। लेकिन मैं यू नहीं कह रहा कि बाकी काम नहीं करना, लेकिन एक जल्दी से फील देना होता है ना, जैसे इस टाइम मैं आप लोगों को जल्दी फील देना चाहता हूँ कि भाई मैंने इतनी जल्दी बना दिया था, है ना। जैसे कई लोग आप देखते होंगे इधर उधर कहीं दिल्ली हाट में यहाँ वहाँ
पोर्ट्रेट बनाते हैं और आप लोगों को बैठा के सामने, या हम तो यूरोप वगैरह में भी सब देख के आए हैं ये चीजें। तो उस वक्त डार्क चाहिए होता है, जल्दी से फील आ जाता है कि हाँ भाई कोई चीज बनी नहीं है। और बिल्कुल डॉट डॉट टू डॉट तो नहीं बनते, बाल की शुरुआत में कर दे रहा हूं तो उससे क्या होगा, फेस अलग हो जाएगा और वो जो हेड वाली फीलिंग है वो अलग हो जाएगी, तो एटलीस्ट जल्दी से फील आ जाएगा कि हाँ भाई ये छोटे छोटे एरियाज होते ना, इनको मार्क कर लिया। तो यहाँ डार्क है ना, अंकित भूख लग रही है। क्या जाए, दो तरीके हैं, एक तो चाय पकड़ी जा सकती है, तो अगर कोई कर सके तो मेरी दो क्लासेस हो चुकी हैं आज ना सुबह, जहां पे सफेद बाल है ना वाइट बाल है उनको पहले छोड़ दीजिए एरिया को, उससे बड़ी जल्दी जो है वो इफेक्ट आ जाएगा। मैं तो लेकिन ये तो जल्दी वाला करके दिखा रहा हूं, आप लोगों को तो पूरा डिटेल में बनाना है, ये तो मैं धक्का स्टार्ट करा रहा हूं आपको कि चलो बाकी की गाड़ी तो आपको चलानी अच्छे से। सो डिटेल में जब बनाएंगे तो जैसे इसके बालों का एक एक स्ट्रैंड हमें एक वाइट एक ब्लैक कैसे दिख रहा है, बिल्कुल, तो वो कैसे होगा सर? मुश्किल से वो तो पता है सर बस पता तो है ही, तुम्हें कैसे बने पूछ रही हूं डिटेल स्टडी करोगे ना सर, जैसे इसकी मूंछें हैं, अब इसकी मूंछों का एक एक स्ट्रैंड हमें मतलब जैसे कोई वाइट है तो सिर्फ हमें जो डार्क इरेजर 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 इस्तेमाल करेंगे आप, और बताता हूं क्या करेंगे, इन पे ना पहले एक ड्राई वो चला दीजिए, ड्राई क्या होता है वो बॉल पेन होता है ना, हाँ जी बॉल पेन सूख जाता है ना जब, हाँ जी इंक खत्म हो जाती है जब उसकी, वो चला दीजिए इसको, जिस तरह के व्हाइट बाल देना चाहते हैं ना आप, हाँ जी सबसे पहले वही चला दीजिए। क्लास को शुरू हुए कितनी देर हो गई है? 1 घंटा सर। एक्चुअली मैंने कितने बजे कितने हैं अभी? 5:41 सर। 5:41 बने ना एग्जैक्टली मैंने
किस टाइम बनाना शुरू किया था किसी को याद है? सर अराउंड 5 450 समथिंग हो रहा था है ना उस टाइम कुछ? यस सर। ठीक है, तो अब तक हमें sir, बनाते हुए कितनी जिंदगी बर्बाद कर ली हमने इसमें? 40 मिनट्स 40 मिनट्स। आप लोगों के साथ पता है क्या होने वाला आज? मैं जो भी एरिया छोड़ दूंगा ना, बस तुरंत ये सवाल आने वाला आपके साथ, सर वो कैसे बनेगा वो बताओ। जो भी चीज मैं छोड़ दूंगा, अगर मैंने दांत छोड़ दिए तो आपको दांत कैसे बनेंगे, मैंने बाल छोड़ दिए तो बाल कैसे बनेंगे, कुछ भी चीज छोड़ दूं बस तभी आप पूछोगे कैसे बनेगा। जबकि मैंने आपको पोर्ट्रेट्स में जैसे ही दांत बनाते हैं ना वो ड्रैकुला बन जाते हैं। मैंने डिटेल स्टडी की बात बताई है, जबकि आपको कि डिटेल स्टडी करना जब आप शुरू कर दोगे तो उसके उसकी प्लेसमेंट वैसी की वैसी रहे। और आप तो फ्री हैंड नहीं बना रहे ना, आप तो ग्राफ से बनाओगे ड्राइंग, तो आप कैसे ड्रैकुला बना दोगे? ये जो छोटी आंख करने वाला फार्मूला है ना, बड़ा जबरदस्त फार्मूला ही है, जिसने सीख लिया उसके काम में 10 गुना तेज स्पीड हो जाएगी उसके काम की, और बड़ी जल्दी से वो अपने बोल्ड इंप्रेशन के पास पहुंच जाएगा जल्दी से, जैसे होता है ना। अब आप लोगों को जल्दी से लगने तो लगी गया कि हाँ ये यार ये बंदा बन रहा है, अपने आले से मैच करा के देख लो। आपको ना YouTube पे ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन वो ट्यूटोरियल में बताता कोई कुछ नहीं है। बस फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वो ये तो जता देते हैं कि हाँ उन्हें आता है, लेकिन उससे आप सीख पाओगे ये कंफर्म नहीं होता।
अब एक बच्चा पूछने आ रहा है, सर सर हमको भी क्या ऐसे ही लास्ट में स्टॉक्स मार के छोड़ देना है? नहीं, आपको फिनिश करना है अच्छे से। सर वो कैसे होगा? मुश्किल से, सिंपल। सर मुझे आवाज नहीं आई ज्यादा। आवाज नहीं आई मेरे को, दोबारा पूछ लो प्लीज। सर मैं कह रही थी मुझे ये स्ट्रोक्स वाला लुक ज्यादा अच्छा लगता। थैंक यू। बाद में मैं जब आप बेसिक कर लोगे ना तो बाद में वो भी बता दूंगा कैसे कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्यों करते हैं हम लोग, ये बता सकता हूं अभी मैं। सर ये जो इमेज का बैकग्राउंड होता है हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिकॉज कई बार मैंने नोटिस करा है आप एक पूरा स्केच बना देते हो बट एक बार फिर जब आप थोड़ा बैकग्राउंड पे वर्क करते हो तो काफी निखर के आ जाता है, इज इट राइट? देखिए जो बैकग्राउंड स्केच के साथ टच हो रखा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये जो लाइट इफेक्ट है ना कान के ऊपर जो लाइट इफेक्ट आ रहा है ये नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं इस बात का? थोड़ी दूर जाने के बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टच कर रहे हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये याद रहेगी बात आपको? राइट सर। ऐसे याद रखें इस बात को, जिंदगी में जो दिल को टच कर जाती है ना जिसकी बात, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, याद रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जहां से इसको ग्लो मिलेगा सपोर्ट मिलती है ना उसको, राइट सर, मतलब सर पूरा बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो आउटलाइन है उसको सपोर्ट के लिए थोड़ा बना दें टच। जब मेरे स्टाइल में करेंगे तो, अभी मेरे स्टाइल में नहीं करने का है, अपने स्टाइल में करने का है। पूरा बैकग्राउंड वैसे ही चाहिए जैसा सामने दिख रहा है, क्योंकि एकेडमिक चल रहा है, अभी स्टाइल नहीं मारने का है। अच्छा, स्टाइल बाद में मारने का है, पहले एकेडमिक नॉलेज पूरी करने का। सर आप बताने वाले थे कि स्ट्रोक्स कब यूज करने चाहिए? जब स्टाइल मारने का है तब, जब आपका बेसिक अच्छा हो जाता है ना, समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। जब आपको साइकिल चला चला के खूब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप साइकिल पे स्टंट दिखा सकते हैं, आपको चोट नहीं लगेगी और आपको पता होगा कहाँ पर ब्रेक मारनी है, कहाँ स्किट मारना है, कहाँ अगला टायर उठा देना है ना। आजकल वैसे दिल्ली में साइकिल बड़ी ट्रेंड में आ गई है, बड़ी तेजी से, पता आपको? साइकिल के तो कंपनी वालों ने प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस हुआ है।
और आई थिंक वन मोर थिंग कि कोरोना के बाद ट्रैफिक इतना कम हो गया है कि साइकिलिंग अगर करो तो वो एंजॉय करते हैं, और जनरली पहले ना वो हो नहीं पाता था। आपको बाद में ये दोबारा से एडिट करना पड़ सकता है आपका शेडो, क्योंकि शुरू में आप वाइट के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो और बाद में फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आ जाते हो, तो उसमें और उसमें फर्क हो सकता है। अब वो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, जब मैंने फोन काट दिया तो वो उसे क्या बोल रही होगी? बिजी सर। वो मैंने कभी कभी सुना है ऐसे बोलती है, जिस ग्राहक से आप बात करना चाह रहे हैं अभी वो व्यस्त है ना? और अगर वो मेरा स्टूडेंट होगा और मेरे को एडमिशन लेना चाहता होगा तो बात उल्टी हो जाएगी, ग्राहक वो मेरा है जबकि अभी नहीं समझ में आएंगे आपको मेरे टाइप किस टाइप की, टाइम लगेगा। तो ओहो आ रहा है कुछ लुक? यस सर। हाँ जी सर। डिटेल में देख रहे थे ना, ये प्रॉब्लम होती है, तो फालतू की छोटी छोटी चीजें बनाने लग जाते हैं हम लोग। सर ये यंग लग रहा है पिक्चर से। अरे आर्ट सीखने वाले लोग यंग हो जाते हैं, कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ना हम इसकी लाइफ में। सर अभी इसकी झोरियां बनेंगी तो ये मेरे ख्याल से फिर ओल्ड लुक देने लगेगा। हम बनाएंगे नहीं, क्लास खत्म हो जाएगी तब तक। वही तो सीखना है सर। हाँ मुझे मालूम था, जो छोड़ दूंगा वही सीखना होगा, पक्की बात। जो बनाया वो नहीं सीखना, जो बनाया वो तो सीखना। ना ना ना, आपने बोला वही तो सीखना था सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो झुरियां बनाना और वो फेस पे पैचेस बनाना। सच बता रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें पता ही नहीं है, पिछले 30 साल में हमें पता ही नहीं चला, 7,500 स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते हमें नहीं पता चला, आज ही पता चलेंगे। चलिए तो मैं इसको इस टाइम तो नहीं बता सकता मैं आपको कि ये कैसे कैसे वो बॉल पेन से आप करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ये करके दिखा सकता हूं, अपने में नेल से, समझ रहे हैं आप? तो सर ये जहां आप इंप्रेशन डाल रहे हैं यहां पर हमें पेंसिल नहीं चलानी है। अरे जो नहीं 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 पहले देखो यहां तक समझ लीजिए आपने जो मैं कर रहा हूं। यस सर। ये थोड़ा सा और पहले करना चाहिए था, सो फिर ये शेडिंग करेंगे तो अपने आप डार्क एंड लाइट हो जाएगा सर। जी बचपन में सिक्का, हाँ जी हाँ, कॉइन लेके आप ऐसे करते थे। यस सर। सर ये राशि को देख के एक ही चीज दिमाग में आ रही है,
रसोड़े में कौन था वाले जी राशि कहाँ है भाई मेरा मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ इस टाइम मैं तो मुंह दूसरी तरफ हो रखा है तुम थी मैं थी और कौन था रसोड़े में ये राशि थी सर राशि राशि बेन राशि बेन भाई वो लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं जो लोग सीरियल दुनिया में अब मैं इसको करके दिखाऊं थोड़ा सा तो मैं हल्का हल्का शेड करता हूं इसे yes, sir. तो आपको देखो व्हाइट इंप्रेशन दिखाई देगा ऐसे टाइम पे पेंसिल को तिरछा कर लेना ऐसे ऐसे मत चलाना ऐसे चलाओगे तो घुस जाएगा उसके अंदर समझ पा रहे हो ये बात yes, sir. और फिर आपके पास तो वो होगा ना पेन की तरह बिल्कुल अच्छे से चलाओगे आप तो बिल्कुल एक एक स्ट्रोक मिला दोगे फिर अभी इरेजर से भी उसको बनाने का ऑप्शन है इरेजर काट काट के उसे उसे भी बनाने का ऑप्शन है डोंट वरी अभी और बहुत सारे मौके हैं आपके पास सर कुछ पोर्ट्रेट्स देखते हैं स्पेशली ओल्ड एज लोगों के या फिर जिसमें नो रिंकल्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा वाइट डिटेलिंग होती है तो वहां पे भी सेम टेक्निक यूज होती है मतलब जहां पर आप एक्चुअली वाइट एरिया छोड़ना चाहते हो वो भी बहुत पतला राइट बहुत ही थिन फाइन जहां फाइन लाइन छोड़ना चाहते हैं अब वो दुनिया में किसी भी चीज पे हो बस उस लाइन को नहीं पता कि बंदा बूढ़ा है बंदा है हवाई जहाज है जानवर बंदा उसे क्या पता लाइन अंदर चली गई पेंसिल आएगी वो अंदर जा नहीं पाएगी वो वाइट बच जाएगी दैट्स इट सिंपल सी बात है और फिर उसके बाद आप बालों के फ्लो को देखते हुए ऐसे स्ट्रोक लगा दीजिए बीच बीच में जहां ज्यादा डार्क का गुच्छा हो उसको जरूर वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करना क्योंकि वो माइंड में रजिस्टर होता है हमारे और वो फिर इसका हिस्सा बन जाता है इसमें भी आप चोटियां करके देखोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल वो नजर आएगी बेसिक चीजें इतने टाइम के हिसाब से इतना इतना काम काफी है यस सर
ब्रायन 250 रुपए तो दे ही देगा। आईडी कंप्लीट स्टडी कंप्लीट करने में पोर्ट्रेट कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा? जैसा ये है यस सर, मेरे को 8 घंटे लगेंगे कम से कम। 8 घंटे सर? हाँ जी 8 घंटे। जब भी कोई काम मुश्किल लगे ना आपको जिंदगी में, जब भी कोई काम क्या लगे, मुश्किल मुश्किल लगे, बस मन मन में सोचो कि इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे, खूब सारे पैसे, तो फिर वो काम आसान लगने लग जाता है, फिर हो जाता है काम, संभव नजर आता है। और एक बार जब काम संभव नजर आने लग जाए तो बस फिर ब्रेन मुकर नहीं सकता ना कि काम तो हो सकता है, काम पॉसिबल है, लेकिन प्रेरणा की कमी है। माइक बंद करो, घर की आवाज आ रही है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूं। टाइम लग जाएगा भाई दांत बनाने में मेरे को, क्योंकि एक दांत का एरिया छोड़ दो ना, ये कर सकता हूँ थोड़ा सा, दांत के नाम पे थोड़ा सा एरिया छोड़ देता हूँ और फिर थोड़ी सी शैडो कर देता हूँ। अभी ये तो पता है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हमने इरेजर इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। मुझे तो ये पहले माइक बंद करवाओ यार किसी का। अब पूछो सवाल, क्या कह रहे हो? पूछो भाई सवाल, तेज प्रतीत पूछना। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी फोरहेड जो बनाया हुआ था वो फ्लैट लग रहा था, या चीक्स जो भी बना रहे थे, तो सडनली शेडिंग का आप लेयर करते जा रहे हैं तो वो 3D का लुक या थोड़ा सा
पॉपअप होती जा रही है इमेज, तो वो तो मुझे पता है शेडिंग कर रहे हैं, पर क्या बेसिक्स होते हैं, मतलब वो चीज थोड़ी सी पकड़ में नहीं आ रही कि वो ऐसे क्यों, मतलब एक उसके लिए बहुत सिंपल है। देखो मैं हूँ मजदूर, कुछ जगह पे बहुत मजदूरी की तरह से काम करना पड़ता है, ठीक है। जब मैंने ड्राइंग की तो टेक्निकली देखा कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कहाँ है, तो वो तो ड्राइंग का काम खत्म हो गया। अब बस मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा एरिया कर रहा है, पॉइंट वन लिख लो। लिख रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा एरिया कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो ब्लू सबसे ज्यादा ब्राइट क्या लग रहा है। ठीक है, यहां लिख इतना लिख लिया। अब लिख यस सर। अब देखेंगे जो ब्राइट लग रहा है उस एरिया को छोड़ना है, क्योंकि ब्राइटनेस लगानी तो है नहीं, क्या करना है उस एरिया को, व्हाइट छोड़ना है ना। जब यस सर बोल दोगे तो बता देना, अगला सेंटेंस बोल दूंगा। यस सर। मुझे पता नहीं चलेगा ना आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपके। ठीक है, तो बस मैंने यहां देखा कि यहां ग्लो कर रहा है, यानी कि यहां कोई ना कोई तो शेड आएगा ही आएगा। जहां ग्लो कर रहा है बस उसी एरिया को छोड़ना है, हमने हमने बख्शना ही नहीं किसी एरिया को। जो एरिया अमीर है बस उसे अमीर बनाओ, बाकी सबको गरीब कर दिया मैंने। गरीब का मतलब डार्क कर दिया। अब जब वो डार्क हो रहे हैं तो जो फार्मूला है इस चीज का, किस चीज का फार्मूला, थ्री डायमेंशनल, कोई भी चीज थ्री डी कब दिखाई देती है, वो थ्री डी तब दिखाई देती है उसमें जब तीनों टोन्स आ जाती हैं। कौन कौन सी तीनों टोन्स, लाइट मिडल और डार्क, है ना। जब वो तीनों टोन्स आ जाती हैं तो कोई एरिया का वॉल्यूम नजर आता है, जिसे आप अपनी भाषा में थ्री डी कह के प्यार से पुकारते हो। सर जैसे चीक्स हैं तो वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, तो बीच में हाईलाइट है और साइड में शेडो लगा दी, तो वो बाहर निकल के दिख रहा है। हाँ, यहाँ से उठ गया, पॉप अप हो गया यहाँ से, नोज ऐसे यहाँ से उठेगा। और इसी चीज को अगर हमें इसी चीज को जैसे उल्टा दिखा दे कि कोई चीज जैसे अंदर जा रही है, कान का जैसे एरिया है, कान में वो चीज अंदर जा रही है, तो वो चीज हम अंदर डार्क करते हैं और उसके अराउंड चीज हाईलाइट करते हैं, ये आप कहना चाहते? मैं कोई फार्मूला बताने की कंडीशन में नहीं हूँ इस वक्त, मैं तो ये कहने की कंडीशन में हूँ जो सामने दिख रहा है बना लो, बस अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ड्रॉ करते वक्त ड्रॉ कर दो, फॉर्म विद इन फॉर्म सबने अटेंड किए कि नहीं की क्लास, करी है अटेंड बस, पर एक्चुअल में जब बनाया तो समझ नहीं, मतलब हाँ करी तो है क्लास अटेंड, क्लास अटेंड किया है। जो लोग फॉर्म विद इन फॉर्म को मार्क नहीं कर पाते, जब तक वो उसको नहीं कर पाएंगे मार्क, तब तक उनका कुछ भी कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। जब तक, और जिसने फॉर्म विद इन फॉर्म समझ ली बस फिर करना ही नहीं है, जो दिख रहा है वैसा बना लो, फोटोस्टेट मशीन बन जाओ। जहां डार्क है वहां डार्क दिखा दो, जहां लाइट है वहां लाइट दिखा दो, जो दिख रहा है वो बना दो बस।
अपने आप आएगा। इफेक्ट देने के लिए कुछ मत करो, क्या करने के लिए मत करो कुछ, मतलब इफेक्ट देने के लिए नहीं, पर अगर आपने दिमाग में सोचना भी नहीं है ये बात कि इफेक्ट दोगे आप किसी चीज का, मन में सोचना ही नहीं है। सर जैसे ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अब फॉर्म विद इन फॉर्म जैसे हमने ये बना लिया, तो उसके बाद थोड़ी फॉर्म विद इन फॉर्म हमें मार्क कर लेनी चाहिए या जैसे आप बिल्कुल कर लेने चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए शुरू शुरू में, बिल्कुल कर लेने चाहिए, अगर उससे हेल्प मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी। अब मेरे को तो ब्रेन में मैं ऑन द स्पॉट देख रहा हूँ, मेरे को तो एक टाइम है, उस टाइम के विद इन लिमिटेड टाइम मेरे को आपको क्लास खत्म करनी है, ठीक है नहीं? लेकिन आप जरूर कीजिएगा, अभी तक इरेजर नहीं चला है, इरेजर चलाएंगे तो और दुनिया जान की चीजें इसमें मजेदार हो जाएंगी। ओवरऑल तो एक फील तो आ गया होगा आपको, अभी फील अच्छा आपको ये नहीं दिखाई दे रहा ना, अभी वो भी दिखा देते हैं। फील तो आ रहा है लेकिन फील में ओनली प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी ना यंगर लुक दे रहा है, तो वो देंगे ना। अच्छा ये बताओ, इंसान बूढ़े होने में टाइम लेता है कि नहीं लेता? लेता है सर। फिर और क्या क्या फर्क आता है? आपने फिल्टर यूज किए हैं कभी? चाइनीज फोन में बहुत सारे फिल्टर होते हैं। यस सर। वो फिल्टर करता है क्या है? वैसे इस वाले बैच में दो पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां होंगी, यानी कि फीमेल्स हैं। आप सबको पता है कि फाउंडेशन क्या करता है, क्या छुपाता है फाउंडेशन, बोलो। लाइंस, गड्ढे, ये सब फ्रेकल्स और इन सब को छुपाता है। आपने एड देखी बिरला व्हाइट पट्टी की, जो कहते हैं कि हाँ सफेदी से पहले, पेंट करने से पहले बिरला व्हाइट पट्टी चलाओ, दीवारें बोल उठेंगी, है ना? वो और फाउंडेशन अलग अलग काम नहीं करते, बिल्कुल एक ही काम है दोनों का। मानते हो कि नहीं मानते? और फिल्टर का भी वही काम है। किसका काम है? वो जो सेल्फी के फिल्टर आते हैं ना, उनका भी वही काम है। आंख नाक कान की डिटेलिंग को वो पड़े रहने देते हैं, खासतौर से डार्क एरिया की, और जहां गाल वाल होते हैं ना, गाल माथा ठोड़ी, उसको वो कर देते हैं स्मूथ। और बंदा कहता है यार मेरी स्किन कितनी नॉर्थ ईस्ट जैसी लग रही है, है ना? जिसके लिए हमारे नॉर्थ इंडियंस बेचारे तरसते रहते हैं। तो वो फाउंडेशन गड्ढों को भरता है, यानी कि गड्ढे नहीं होंगे तो इंसान यंग लगेगा, यंग लगने के लिए करते हैं वो। वैसे तो कोई बूढ़ा होने का फिल्टर यूज करता है? मजाक मजाक में करते हैं बस, ऐसे नहीं। कोई कोई ब्यूटी पार्लर जाके ऐसा मेकअप करा के लाता है कि भाई ऐसा मेकअप करते ताकि मैं और बूढ़ा लगूं? फिल्मों में करते हैं बस वो, तो है कि नहीं? हम छुपाते हैं झुर्रियां, गड्ढे। अभी बनी नहीं है यहाँ पे, जिन गड्ढों की मैं बात कर रहा हूं वो गड्ढे बन जाएंगे तो बस फिर इसमें भी।
चाय मिल गई मेरे को थोड़ी से। यार ये कृपा का फोन बार बार आता है, कर लो ना अटेंड कर लो, क्या कहती है? मैं फिलहाल यहां छोड़ रहा हूं, ठीक है? श्योर श्योर, इट लुक्स अमेजिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ पंगे करूं और चीजें दिखाऊं इसके अंदर, इरेजर चला चला के दिखाऊं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर बाकी सब दिखा दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में भी करके दिखा सकता हूँ। अभी मतलब अभी नहीं, अभी आप आराम से, आज का बाकी दिन शाम के टाइम हो गया, खाना वाना भी बनाना होगा आपको, अभी कर लो और पहले इतना बना लो। ठीक है सर। दिमाग की भी ना ग्रेस्ट करने की एक एक लिमिट होती है, पता है? जैसे आपके खाना खाने की एक लिमिट होती है ना, खाना तो मैं पूरे महीने का खिला दूंगा आपके सामने, रख दूंगा आपको, लेकिन आप अगर उसे खा भी लोगे ना, दो दिन का चार दिन का खाना एक्स्ट्रा खा भी लोगे, तो आपकी बॉडी उसे यूज नहीं कर पाएगी। सर कल इसकी डिटेल कर लेते हैं फिर। आप जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन मैं तभी करूंगा जब सारे लोग इतना बना के लेके आएंगे। सर इतना बनाने की कोशिश करेंगे कल। हम भी कोशिश करेंगे फिर, अच्छी बात है ना, तो कोशिश वाली बात कोशिश से निपटेगी, है कि नहीं? अभी थोड़ी देर में तो 100%, लेकिन क्या बनेगा सर वो तो नहीं कह सकते। क्या थोड़ी देर में? मेड वाज आस्किंग मी चाय बना दूं, मैंने बोला अभी थोड़ी देर में। आप लोग जब तक फेल होने से नहीं डरना बंद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं सीख सकते, ये गारंटी है मेरी। थोड़ी देर में नीचे भी उतर रहा है ना, क्या होने से नहीं डरते? जब तक फेल होने से डर नहीं निकालोगे अपना, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ। पोस्ट भेजा था वो फॉरवर्ड करो, अटेम्प्ट करो उसे। अनुराधा जी, आई एम सॉरी, आपका शायद माइक ओपन है। सही, टीथ के लिए वाइट ही छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? दांतों के लिए वाइट। हाँ, दांत अगर वाइट दिख रहे हैं तो वाइट छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई एक कोई टोनिंग है कुछ नहीं, उसमें जैसे दिखाई दे। बोलिए क्या बोल रहे हैं? उसमें कोई टोन नहीं करना, एक दो टोन नहीं करना, इसमें जैसे दिखाई दे रहे वाइट, तो इसमें एक दो नहीं, नहीं मैंने अभी तो दांतों का एक एक टुकड़ा बनाएंगे हम लोग बकायदा, जैसे जनरली इसमें जैसे तो ठीक है, बट अभी इसमें जैसे अभी दिखाई दे, इसे छोड़ना है वो वाइट ही है, कोई टोन करेंगे कर सकते। हाँ वाइट छोड़ दो, अगर आप इरेजर यूज करके नहीं बनाना चाहते तो। okay. अभी फिलहाल वाइट मैंने वाइट छोड़ दिया आप लोगों की तसल्ली के लिए। ओके okay. थोड़ा सा फील आ जाए कि आपको ये यहाँ पे दांत आएंगे भाई, प्लॉट छोड़ दिया मैंने उनके उनके हिस्से की कुर्सी छोड़ दी भाई साहब, यहाँ पर दांत आएंगे, बात समझ रहे हो? उससे उसका जो एक्सप्रेशन वाली बात है ना, वो तो कम से कम आई जाएगी ना। हाँ 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 ये एरिया दिख रहा है आपको, जिस एरिया पे मैं काम कर रहा हूं, मैंने एक भी बार पेंसिल नहीं छीली अभी तक।
चलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको और आपसे बातचीत करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको छोड़ दूं बिल्कुल, एक तो लाइटें जला देते हैं थोड़ी सी, लाइटें, और इसको कैसे करके दिखाऊं कि आपको कुछ दिखाई दे, देखते हैं ये खुद ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता। इधर वाली लाइट मेरे को लगता है नहीं, मत चलाओ, हाँ ये सही है। अब एक लेवल पे ये हो गया काम, अब नेक्स्ट लेवल पे और काम होएगा। ये बात समझ रहे हो आप मेरी बात? अब अभी आप देख रहे हो तिरछा, तो आपको ड्राइंग भी शायद अलग तरीके की नजर आ रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं इधर से, ये जहां से मैं देख रहा था, तो हो सकता है आपको ड्राइंग पहले से बेटर नजर आए। देखो मैं इधर से देख रहा हूं, क्या बोलते हो, अब बेटर है ना? जी सर, हाँ जी, यस सर। क्योंकि आपको उस साइड का एरिया बड़ा नजर आ रहा होगा ना, ऐसे ऐसे तिरछा करते हैं तो पर्सपेक्टिव में आ जाएगा वो। और अब आपको एक्चुअली ये है, ठीक है, तो ये जितना जल्दी हो सका हमने इसको कर दिया है। वो बात ठीक है कि हमने इसकी पूरी डिटेल नहीं दी है, तस्वीरें अपने कैमरे से खींचते थे यहाँ पे ये होते हुए और वहां होते हुए, नहीं ऐसे मैं कह रहा हूँ तस्वीरें खींचती जब क्या हो गया ना। सर आप एक बारी मस्टैच का क्लोजअप दिखा सकते हैं क्या प्लीज? अभी इरेजर इस्तेमाल नहीं किया राइट, इरेजर इस्तेमाल हल्का सा करके दिखा दूं, निन्ना सा, एक मिनट जब चल ही रहा है तो एक सेकंड। दीमा भाई इरेजर कहीं पे रखा होगा, यहाँ पे किधर होगा? हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? देखो इरेजर चलाने से पहले आपका ना एरिया वाइट नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि फिर इरेजर कैसे चलाएगा, खाली एरिया में तो इरेजर चलता ही नहीं वाइट पे, है ना? अब मेरे एक हाथ में तो कैमरा पकड़ा हुआ है, मैंने इरेजर का बेस्ट इंप्रेशन तभी आता है जब स्मज कर रखा हो। आपको क्लियर है ये बात? ओके सर, यस सर। क्योंकि हर जगह से इरेजर चलता हुआ नजर आएगा ना, स्ट्रोक्स में तो इरेजर उतना छोटे में काम नहीं करता। नहीं नहीं, नहीं। आप देख रहे हैं मेरे को ना? जी सर, दिखाता हूं मैं। एक सेकेंड, मेरी स्केचबुक खिसक जा रही है इसकी फ्रिक्शन से ना। आप ऐसा करो इसको छोड़ दो एक बारी के लिए, कैमरा बूस्टर से आके ना यहाँ से कैमरा यहाँ पकड़ो, जहां जहां पे भी मैं दिखा रहा हूँ ना।
ये देखो भाई, दिखा? यस सर। मजेदार है ना? ये देखो, हेलो, अगेन जब आपको ये इरेजर के कॉर्नर खराब हो जाए तो इसे काट के इतनी सी लेयर नए कॉर्नर यूज कर लेना। और कहीं पे अगर स्ट्रोक बड़े लग जाते हैं तो घबराने की बात नहीं, आसपास पेंसिल की शेड लगा के उसको पतला कर लो। क्या बोलते हो? चलवाई दिया तुमने इरेजर है? अब देखो कैसी मूंछ हो गई। अब ठीक है, राइट सर। टचअप करना पड़ेगा, दोबारा से डार्क करो, दोबारा से लाइट करो, इरेजर पतला करो, लेकिन ठीक है छोड़ दो, बस हो गया। इसे छोड़ रहा हूँ, इसको उठा लो। सर ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड आप जो भी स्केचेस बनाते हैं या तो आई डोंट नो लैक ऑफ टाइम, आप बहुत ज्यादा स्मच कभी नहीं करते, लाइक आप सिर्फ पेंसिल को ही यूज करके जितना स्मच करते हैं उतना करते हैं, तो इज इट नॉट गुड? क्योंकि मतलब यूजुअली जब मैं स्केचिंग करने लगता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्मजिंग की तरफ हाथ चला जाता है, बिकॉज एज सून एज यू स्मच तो वो हल्का सा बेटर लगने लगता है, स्मूथ लगने लगता है। देखो बात ये होती है कि मैंने शुरू में ही बताया था जब मैं नोज पे कर रहा था ना, राइट, अगर मिक्सिंग करना चाहते हो तो आप लोग पहले लाइट करो, कोने पे लाइट कर दो पूरे को, फिर थोड़ा सा छोड़ दो, फिर थोड़ा सा एरिया छोड़ के आगे से थोड़ा डार्क करना शुरू कर दो, फिर थोड़ा सा और एरिया छोड़ के फिर आगे से और डार्क, तो इससे दूर से इंप्रेशन वो वॉल्यूम का ही लगता है। और स्मज करने को कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्मज करने ना भी नहीं भी किया मैंने स्मज, तो भी देखो मेरे हाथ इतने गंदे हो गए, ये वो कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप जला सकते हो चाहो तो लाइट, या तो फिर याली लाइट जला दो। मेरे को पसंद है पोर्ट्रेट, पता है कौन से, जिनके अंदर ऐसे डार्क टोन्स आती हो, ऐसे इतनी डार्क टोन्स ये आती है ना, ये फिर लाइट का इंप्रेशन आता है, फिर बड़ा मजा आता है, ड्रामेटिक लाइट होती है, ड्रामेटिक लाइट होती है। मैं तो हम लोग फिर बाद में आपको कभी फोटोग्राफी सिखाएंगे तो फोटोग्राफी में लाइटिंग सेट करना सिखाएंगे कि कैसे ये सब चीजें आती है, तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो वैरायटी रहती है तो फिर वो आर्टवर्क बड़ा उसमें वॉल्यूम आ जाता है। इसीलिए लाइट सामने से ना डालें अभी, ठीक है, जैसे मेरा ये पोर्शन डार्क है तो उसमें वॉल्यूम है, लेकिन पीछे से भी एक लाइट यहाँ चमकती हुई आ जाएगी तो बड़ी मजेदार हो जाएगी। और अगर मैं यूं कर लूं और इधर से भी एक कटर आ जाए, इधर से भी एक, इधर से भी कटर आ जाए, मजा ही आ जाएगा, दिखाना जरा एक बार। तो क्या पढ़ाने का कोई एंड नहीं है यार, देखो मेरे से तुम पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बांटने के लिए बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास टाइम शायद थोड़ा सा कम है। ये देखो ये आया ना गाल पे कट जो आया है, देख रहे हो,
इससे वैरायटी मिलती है चीजों में। और ये बालों पे आ गए ना, नहीं तो बाल बाल देखो पीछे वाली पेंटिंग पे मर्ज हो रहे हैं ना। और अगर मैं यहां से लाइट डाल दूं बालों पे, यहां से अब क्या हुआ, इतना एरिया मेरे को आपको आराम से दिखाई देगा यहां तक। ये फायदे हैं इसके। पर यहां पे ये जो कट आ गया, अब ये देखो ये देखो क्या बढ़िया है, इससे बड़ा मजा आता है ये जो कट आया है यहां से। कितने बजा दिए भाई, 6:30? यस सर। ठीक है, 2 घंटे हो गए हमें तकलीफ झेलते झेलते अश्विनी सर की। अनुराधा जी सो जाओ, सो नहीं रही सर, थोड़ा टायर्ड बस। मैं तो अभी बिल्कुल ही टायर्ड हो गया हूँ। तीसरी क्लास है और मेरी बहुत लंबी लंबी क्लासेस थी आज सारी। नहीं सर, मेरी डॉटर का मैथ्स का एग्जाम है मंडे को, तो सुबह से मैथ्स पढ़ा रही थी। चलो 2 मिनट मेरे को दो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, 1 सेकंड में। देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज थोड़े एडवांस वालों की क्लास थी, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले है ना स्टूडेंट, उनको मैं अपने कुछ ग्रीस के फोटोग्राफ उनको उनके साथ शेयर कर रहा था और एडिटिंग करके दिखा रहा था उन लोगों को। आपको दाढ़ी वाले लोग पसंद है ना? यस सर। यस सर। ये अब लाइटिंग वाइटिंग इसमें चल रही है। ये लुक सही थी ना मेरी अच्छी वाली? एक्चुअली सर आई वाज अबाउट टू से दिस कि आपने चेंज क्यों करी है, बहुत अमेजिंग लग रही है। सही बताऊं भाई, सदगुरु टाइप है सर, खुजली होती है ना ऐसे स्किन में, अंदर तो धूप, ये अमेज़न के जंगलों में धूप तो जा नहीं पाती। अच्छा, तो वो जो आप केयर करते हो ना अपनी स्किन की थोड़ी सी, वो नहीं हो पाती थी। वाह भाई वाह, मेरे को ये बहुत पसंद है। देखो बाल, आप रजाई गद्दे भर सकते हैं इनसे। ये मैंने पहले खिंचवा के रख लिए, मैंने बाद में बुक बुक आएंगी मरूंगा तो फिर उसके बाद फिर ये लोगों को जरूरत पड़ेगी ना, मांगेंगे तो लोग। आप इसका एक विकिपीडिया बना के जाइएगा सर। ये देखो चलो अभी मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ आपको। ये मेरा, हाँ ये हूँ मैं एक्रोपोलिस में, एक्रोपोलिस मतलब एथेंस में हूँ यहाँ पे। और एथेंस से फिर मसीदा अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ आपको जल्दी से। ये ओलंपिक यहीं से शुरू हुए थे ना, और फिलोसफी भी। आजकल वो एक एड आ रहा है, बीच में बंदा एक किसी को बुलाता है, नेस्कैफे का है, पता नहीं किसका, वो यहाँ पे शूट हुआ है ये जो। यस सर, नेस्कैफे का है। एम्फी थिएटर वाला जो है ना, एम्फी थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है, और वो भी क्राइस्ट से 2000 साल पहले। ठीक है, वो नेस्कैफे का है, वो कुछ बोलता रहता है कि हाँ आप जो लोग ये नहीं है वो ये हो जाए, वो ये नहीं होता ये। और वो जो सोक्रेटिस सुनते हैं आप, जो पूरा फिलॉसफी है वो यही, वो यहाँ पे था। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया, ये
शाम को जब मैं बियर पीता था उसकी भी फोटो खींच रहा था मैं बैठ अकेला तो था ही उसमें भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग मेरे को दिखाई थी ये शुरू की हाँ ये मैं पहुंच गया वहां सांतोरिनी सेंटोरिनी हाँ ये वहां के शॉट है आज मैं एडिटिंग सिखा रहा था ये देखे ताजा हो रहे हैं थोड़े बहुत जी सर ये देखिए इन्हें ही आप वॉलपेपर कहते हैं एक्चुअली अपनी भाषा में अच्छा वॉलपेपर कुरान में से तो निकले नहीं थे सर मैं एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करती हूँ एंड मेरा काम है लग्जरी पैकेजेस बनाना तो उसके अंदर यही सब काम करती हूँ सर यही सारी फोटोग्राफ्स खींच खींच के क्लाइंट्स को भेजती हूँ मतलब नेट से निकाल निकाल के शायद आप उनकी सिस्टर है ना रेखा उनकी रेखा की हाँ तो उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी हमारी कुछ टूर्स को सर उन्हीं के साथ काम करती हूँ जी 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 ये देखिए मजेदार है ये मेरे ओरिजिनल शॉट है भाई और इनको ये देखो आहा क्या बात है अच्छा जी आपने डिजिकैम से लिए होंगे ना सारे लाइक मोबाइल शॉट्स तो नहीं लग रहे मार्क 3 से ओके मगर ये कि कमर का बैंड बढ़िया था 15 किलो की किट उठा के मैं घूम रहा था वहां पे राइट और फिर मॉडल देखिए पता नहीं चल रहा मॉडल कौन है एक्चुअली बिल्ली मॉडल सर कंट्रास्ट अच्छा था लेकिन ये देखो और ये देखे विश टूर है ना सर ये मेरा विश टूर है बकेट लिस्ट आ रहा है मजा इसको फुल लेंथ प्रिंट कराओ बड़े से उसमें पेंटिंग प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है अभी ये लगा रखा था मैंने अपने ये देखिए फ्लिंट स्टोन आता था ना पहले फ्लिंट स्टोन राइट मेरे को ऐसा लगता है वो यहाँ आकर बैठेगा याद दिला दी मेरे को अब आप अपना हो सकते हैं ये प्राणी मैं हूं मैंने वाटरमार्क डाल दिया रखा था कि मैं भी था वहां पे सबूत देने पड़ते हैं ना कि हाँ भाई मैंने ही पिक्चर क्लिक किए हैं ये देखो आर्ट गैलरी वहां पर इस तरह के ये बहुत दिखते हैं वहीं के एरियाज के ना ये देखो लगे हुए ना ये यस सर इन्हीं की पेंटिंग्स बना देते हैं वहां पे पेंटर्स वगैरह जो होते हैं और फिर वो बिकते रहते हैं मजे से लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आते हैं लोग अरे ग्रीस है हाँ जी ग्रीस है देखो एक वहां का ग्रीस है कितना सफेद है और एक हमारी साइकिल में ग्रीस होती है कितनी काली होती है इंडिया की ग्रीस है वो अब कोई बच्चा मन मन में सोच रहा है वेरी फनी इंजेक्ट है इनका ये देखो सब ये सब लोग सनसेट शूट करने के लिए आए हैं वाह वाह मजा ही आ गया फिर सनसेट के बाद भी मैं थोड़ी देर रुका रहा वो भी एक कुछ शॉट थे
चलो आज के लिए इतना काफी है शायद। ये मेरा होटल था, और अगले दिन में वो देखो बीच पे भी यही बिकता रहता है। आपको ऑडियो आ रहा है? देखो फिर ऑडियो। दिलप्रीत सिंह खुश हो जाओ। मैं से यहीं से लेके गया था इंडिया से। मेरा बड़ा मन था यूरोप में मैं ये जाम्बे और ये सब चीजें प्ले करूं। अलग अलग जगह पे मैंने प्ले किए। चलो ठीक है फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ओके सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। तुम लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हो क्लास खत्म करने के लिए। थैंक यू सर, आपने क्लास खत्म कर दी। थैंक यू, वेरी गुड सर। बहुत अमेजिंग क्लास थी आज की। अच्छा बहुत अमेजिंग क्लास थी? नहीं सर, इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया। अभी मैं आपसे रिव्यू मांग लूंगा तो लिख के नाइस क्लास। बाय सर। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू सर।